हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग हॉबीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज पकौड़े। ये पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है गाजर, पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी और प्याज। इतनी सब्जियाँ लिया है मैंने, सभी को पतला पतला सा मैंने कट कर लिया है। फूल गोभी को मैंने एकदम बारीक सा कट किया है और गाजर को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है मैंने। तो सभी सब्जियों को एक बोल में डालेंगे। इसमें आप और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं अपने पसंद से। बीन्स डाल सकते हैं बारीक काट करके, मटर को दरदरा पीस करके डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें डाल देंगे बेसन, जीरा डालेंगे, हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटा हुआ, नमक डालेंगे, हरा धनिया डाल देंगे कटा हुआ। चला करके एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें पहले ही पानी ना डालें, क्योंकि सब्जियों में पानी रहता है ना, तो इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर लगे कि ज़्यादा सूखा है तो हल्का सा बस ऊपर से छिड़क करके चला लें, मिक्स कर लें। थोड़ा सा इसमें और बेसन डालेंगे, उसके बाद इसको हाथ से एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत हल्का सा मैंने इसमें पानी डाला है, एक चम्मच तक बस, फिर अच्छे से मिक्स कर लिया है। नमक डालने के बाद ना सब्जियाँ पानी छोड़ती है ना, तो हो जाता है उसी में, अलग से पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब इसको फ्राई कर लेंगे, ऑयल गर्म हो जाएगा, तो इसे छोटा छोटा ऐसे लच्छे लच्छेदार में बना करके पकौड़े इसमें डालते जाएंगे फ्राई करने के लिए कढ़ाई में, ऑयल में। और पकोड़े जब कढ़ाई में डालेंगे ना, तो हाई फ्लेम रखेंगे और थोड़ी ही देर में फिर इसको फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे, तो उसमें हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकोड़ों को फ्राई करेंगे। पकौड़े ना बहुत ही बढ़िया लगते हैं, एकदम लच्छेदार बनते हैं, क्योंकि इसमें पत्ता गोभी, पालक, गाजर ये सब एकदम पतला पतला, प्याज ये सब ऐसे लंबा लंबा कटा हुआ है ना, बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। इसको पलट करके दोनों साइड अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक, एकदम क्रिस्पी होने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए पकोड़े फ्राई हो गए हैं, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से पूरे पकोड़े बना लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं पकोड़े, इसी तरीके से पूरे बना लेंगे। ये पकोड़े आप टमाटर की चटनी के साथ सर्व करें, सॉस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी पकोड़े हो टमाटर की चटनी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई भी पकौड़ा हो किसी भी चीज़ का। पकौड़े बना करके आप बच्चों को भी खिलाएं, इसमें सारी सब्जियां हैं, वैसे तो सब्जियां बच्चे खाते ही नहीं हैं, इसे पकौड़े बना करके खिलाएंगे ना तो खा लेंगे। इसमें मिर्ची बस ना डालें, बच्चों के लिए बनाए तो। तो ये देखिए अब मैंने पूरे पकौड़े बना लिया है, बहुत ही बढ़िया बने हैं ये पकौड़े। अब हमारे वेज पकोड़े बनकर के तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।